12 तारीख को वी हैव अ रैली इन अस्तबल ग्राउंड, तो उसके लिए प्रेपरेटरी कमेटी के लिए हम सब मिल रहे हैं कि किस तरीके से शांति से अच्छे तरीके से वी हैव अ रैली ऑन द 12th टू प्रेस अ डिमांड विदाउट क्रिएटिंग एनी डिस्टर्बेंस इन द सिटी ऑफ अगरतला. हम चाहते हैं कि अगरतला में 12 तारीख को अच्छे तरीके से रैली हो और कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो, और उसके पहले प्रेपरेटरी कमेटी करके हम अपना मुद्दा गांव से लोगों को कैसे लाएंगे, कैसे वापस जाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन शांति के तरीके से, इसके लिए आज हमारा मीटिंग हो रहा है. और हमारे जो विलेज काउंसिल में जो हमारा इश्यूज है उसके बारे भी हम चाह रहे हैं कि इलेक्शंस हो. अभी तक इलेक्शन नहीं हो रहा है, उसके बारे भी हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं. ऑल आर ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, ऑल आर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, सीनियर लीडर्स, वुमेन लीडर्स, यूथ लीडर्स आर ऑल यहाँ में प्रेजेंट है, और भी लोग आ रहे हैं और बैठकर हम लोग. सर, विलेज काउंसिल के लिए आपने क्या इलेक्शन कमिश्नर के बारे में? मैंने बहुत बार कहा है, हमने पब्लिकली डेपोजिशन भी दिया है, हमने गवर्नर के ऑफिस में चिट्ठी भी भेजा है, डीएम्स को हमने डेपोजिशन दिया है, रिटर्न डेपोजिशन दिया है कि हम चाहते हैं कि विलेज काउंसिल इलेक्शन हो. 31 मार्च के बाद अगर विलेज काउंसिल नहीं हुआ तो हमारे गांव में पैसा नहीं जाएगा, और जब पैसा नहीं जाएगा तो लोग को बहुत कष्ट होगा. हम चाहते हैं कि विलेज काउंसिल इलेक्शन जल्द से जल्द हो, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो ग्रास रूट लेवल में त्रिपुरा में सबको प्रॉब्लम होगी. और मैं जानना चाहता हूं कि अगर यूपी में इलेक्शन हो सकता है, मणिपुर में हो सकता है, अगरतला में हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, अगरतला में म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ, तो ये कौन सा वायरस है जो हमारे ईडीसी एरिया में है, इसके लिए हम लोग इलेक्शन नहीं कर सकते, मैं ये जानना चाहता हूँ. आप सबके हाईकोर्ट में जाएंगे? मैं पहले गवर्नमेंट से एक रिटर्न रिप्लाई चाहता हूँ, उसके बाद अगर सेटिस्फैक्ट्री वो रिप्लाई नहीं हुआ तब हमारे लिए ऑल ऑप्शन ओपन है. सर, एक बार राजनीतिक जो माहौल है, जो पॉलिटिकल वायलेंस हो रही है, जो बीजेपी और कांग्रेस जो दंगा चल रहा है, ईंट पत्थर, यहाँ तक कि मीडिया के ऊपर भी सर में चोट लगा है, तो इस विषय में आपका क्या मतलब कहेंगे इस विषय में? देखिए, ये वायलेंस 10 दिन पहले शुरू नहीं हुआ, ये वायलेंस बहुत दिन से चल रहा है. मेरे ऊपर भी अगर मीडिया थोड़ा हाईलाइट करेंगे, मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ था मोहनपुर में, 1 साल भी नहीं हुआ है, सबके सामने ये लाइव था. आज तक जिसने मेरे ऊपर अटैक किया है, 1 आदमी भी अरेस्ट हुआ है, नहीं हुआ. तो ये वायलेंस चल रहा है और ये बहुत शर्म का बात है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी ये वायलेंस करे उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, कोई भी पार्टी से उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए. और ये जो माफियागिरी है, ये गुंडागिरी है, इससे पूरा त्रिपुरा का नाम खराब हो रहा है, इसको खत्म होना चाहिए. मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, मेरे ऊपर आज से 1 साल पहले अटैक हुआ था मोहनपुर SDM ऑफिस, सबके सामने, अभी तक 1 आदमी भी अरेस्ट हुआ है, FIR फाइल हुआ था, उसके बाद कोई अरेस्ट हुआ है कि वो भी कहना चाहते हैं कि जो हुआ था आप लोग सबने देखा, वो भी उसमें 1 आदमी अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुआ. ये बहुत खराब प्रेसिडेंस है. जब आप गुंडे लोगों को अरेस्ट नहीं करोगे क्योंकि उनका पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है, तब ये गुंडे लोग बाद में सोसाइटी को हार्म करते हैं. ये किसी के नहीं है, कोई पार्टी के नहीं है, गुंडा का कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं होता, गुंडा गुंडा होता है, उनको अरेस्ट किया जाता है. आज का मीटिंग हमें अच्छा मीटिंग करना है, जो मास गैदरिंग हो रहा है उसको सक्सेसफुल करना है, क्योंकि हमारा बहुत कार्यकर्ता है, समर्थक है, उनको लाना है. कैसे लाया जाएगा आपको तो मालूम है, त्रिपुरा दिल्ली तो है ही नहीं, चेन्नई है नहीं, बहुत सारे गांव से लोगों को आना है, तो इनको कैसा लाया जाएगा, डिस्कस अबाउट दैट. और सब लोग आना चाहते हैं, हमें आशा है कि कम से कम 50,000 हमारा समर्थकों ने आके इस मास गैदरिंग में पार्टिसिपेट करें. आप वही विषय पर चर्चा होगा और क्या मैसेज दिया जाएगा, हमारा डिमांड के लिए हम क्या बोलेंगे, केंद्रीय सरकार को ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि हम यहाँ जो कुछ कर रहा है ये त्रिपुरा को खराब करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, हमारा अधिकार जो है उसको मिलने के लिए, पाने के लिए हम ये कर रहे हैं, ये मैसेज हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं. अच्छा, ये जो विलेज काउंसिल